मैं हूँ मुस्कान तनेजा, स्वागत है आपका लोटपोट पर। हम हर दिन ही एक नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं, तो मैं हर हफ्ते आपके लिए एक लेकर आऊँगी पॉजिटिव न्यूज़ कि क्या कुछ हमारे आसपास बेहतर चेंजेस आ रहे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आबादी को मिली पहली वुमन ट्रैफिक इंस्पेक्टर। रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना एस सुजीता के लिए कुछ नया है, लेकिन आबादी की फर्स्ट वुमन ट्रैफिक इंस्पेक्टर इस कड़ी धूप में अपना काम बखूबी निभा रही हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पॉल्यूशन को देख फैसला लिया कि इंडिया में सारी बसेस को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा आने वाले 5-7 सालों में। बेंगलुरु के एक स्टूडेंट ने नया स्टार्टअप शुरू किया। साइंटिस्ट ने मिथेन, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, उससे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए हैं और एनिमल्स को सस्टेनेबल फूड से एनिमल को फीड भी कर रही है वो, और ये फार्मर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि चर्पी वर्ल्ड की हार्डेस्ट चीज है जिसे हम 2 डिकेड्स तक खा सकते हैं। प्रदीप कुमार जैना एक ऐसे IAS ऑफिसर है जिन्होंने ओडिशा के डिजास्टर मैनेजमेंट 20 साल तक हैंडल किया। रॉबर्ट हॉफमैन इन मुंबई स्लम की एक 15 साल की एक लड़की को सपना पूरा करने में उन्हें मदद करी, उन्हें मॉडल बना दिया एक स्लम से उठाकर। बेंगलुरु की एक प्रोफेसर ने कोकोनट लीव से एक न्यू स्टार्टअप शुरू किया और कोकोनट लीव्स को इस्तेमाल करके उन्होंने स्ट्रॉज बनाई। ऐसे ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के लिए और अच्छी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।